पागल समझा है और कोई नहीं अंदर खाली पड़ा है, वजह के वो टूटी सी खाट है और बाबा नानक की फोटो है। आप तो तस्वीर वाला बाबा नानक ही मेरे पापा जी है। ये सरदार जी का अपना ढाबा है? हाँ जी सर, सरदार जी का अपना ढाबा है और ये बहुत पुराना है। मतलब क्या लोकेशन है यार, हाईवे के एकदम बीचों बीच। भाई अपना रेस्टोरेंट यहाँ खुल जाए तो पैसों की तो बारिश होगी। हाँ जी सर, अभी देखना आप, एक घंटे में ना यहाँ पे 2 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी। भाई ऐसा क्या बेचता है ये? सर वही 5 रुपए में खाना खिलाता है। 5 रुपए में खाना? हाँ जी सर। क्या क्या देता है सर? सर वही दाल रोटी। 5 रुपए में दाल रोटी? हाँ जी सर। भाई फिर कमाता क्या होगा ये? सर ये तो यही जाने। भाई मुझे तो ये बेवकूफ लगता है, अपनी जगह को सस्ते दामों में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। ओ सरदार जी सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी, आजो आजो लंगे हो आजो। और सरदार जी क्या खिला रहे हो? ओ महाराज अभी तो देखो 40-45 मिनट लगेंगे अपना खाना रेडी होने में, हमारा शुरू होता 2 बजे। मैंने सुना है कि यहाँ बड़ी लंबी भीड़ होती है आपकी दुकान पे। महाराज आप मानोगे नहीं, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है जी, हमारा खाना स्वाद ही इतना है, बड़ी दूर दूर से बंदे आते हैं जी। मैंने ये भी सुना है इतना स्वाद खाना आप 5 रुपए में देते हो। महाराज पीछे मैंने कर दिया था 7 रुपए, अब मानोगे नहीं लोगों ने ना आना बंद कर दिया, हमें दोबारा 5 रुपए करना पड़ गया। गुजारा हो जाता है 5 रुपए में? बस जी चल ही जाता काम जी, अब जो मालिक ने देना है देना ही है जी। कभी नहीं सोचा इतने छोटे से ढाबे को बड़ा रेस्टोरेंट बनाया जाए, यहाँ बड़े बड़े विलायती रेस्टोरेंट खुले। महाराज ऐसा है, अभी 3 महीने पहले ना पिछली दीवार गिर गई थी, वो तो शुक्र मनाओ सामने सनातन मंदिर है और मंदिर वालों ने 3 सेवादार भेज दिए, उस वजह से हम दीवार को रिपेयर करा पाए, अपना जुगाड़ा मसा चल रहा है और आप कह रहे हो यहाँ पर रेस्टोरेंट बना दे। अच्छा चल एक बात बता, कितने पैसे कमा लेते हो? मेरे पापा जी कहते थे बंदा इस दुनिया में ना पैसे कमाने नहीं आया, बंदा आया दिल कमाने, क्योंकि साथ में नोट नहीं जाते दिल जाता है, तो मैं लोगों के दिल कमाता हूँ जी। ओए काका जी, ओए दिल कमाने से ना घर नहीं चलते, भाई अपना भारत इसलिए ही गरीब है क्योंकि यहाँ लोग इमोशनल हैं। महाराज देखो ऐसा है, अब मैं अपने पापा जी को गलत तो कह नहीं सकता, जैसा उन्होंने सिखाया है हम वैसा जिंदगी जी रहे हैं और अपना बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा तो एक काम कर, ये जो तेरी ढाबे की जमीन है ना ये मुझे दे दे लीज पे, डेली के 100 रुपए लेके जाता होगा, मैं तुझे 500 दूंगा। महाराज अगर मैंने आपको जमीन दे दी तो आप थोड़ा मेरे यहाँ पर रोटियां बनाओगे, ये रोटियां तो मेरे खुद बनानी पड़नी है, आप इतनी गोल बना पाओगे? 5 रुपए की औकात वाला बंदा बताएगा कि मुझे क्या करना है। ओए काका जी ये जो जगह है ना ये ढाबे के लिए नहीं बनी, भाई हम चाहते हैं कि यहाँ पे लड़का लड़की चिल करने आए। चिल? चिल क्या होता है जी? ओ जी चिल मतलब हम चाहते हैं कि इसको हम हैप्पी प्लेस बनाएं और यहाँ बनेगा हमारा रेस्ट्रो बार। ओ नहीं जी नहीं, और ये जो जगह है ना यहाँ पर बस वही काम होगा जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ और कुछ नहीं चलना। काके इतना वहम है यहाँ रेस्ट्रो बार नहीं चलेगा। ओ भाई तू सोच क्यों रहा है, तू मुझे जगह दे, मैं दे रहा ना तुझे 500 रुपए। ओ जी नहीं पापा जी को ना कई लोगों ने बात बोली है पर पापा जी उसूलों के बड़े पक्के हैं, वो कहते हैं जो जगह है ना ये सेवा के लगी है, मेरे को यहाँ सेवा करनी है, अब मैं 5 रुपए की 1 प्लेट बेचता हूँ जी, उसमें भी ठन्नी बचा के घर ले जाता हूँ। पापा जी कहते हैं अगर तो ठन्नी भी ना बचाए ना फिर भी सेवा ना रोकियो, क्योंकि वो आदमी कभी भुखा नहीं सोता जो पूरी दुनिया का टेट पारता है। अच्छा तो एक काम कर, तू मुझे अपने पापा जी से मिलवा दे, मैं कर लेता हूँ बात। आप पापा जी से बात करोगे मेरे? हाँ ठीक है जी, ये भी आपकी अच्छी सोच है, पर मेरे पापा जी ना थोड़े से मूडी हैं जी, तो कई बार बात बोलते हैं हमारे तक नहीं पहुंचती, तो आप जाकर उनसे बात कर लो, आपसे बात करते हैं आपको जवाब दे देंगे, आपको अगर उनको देखना है तो ये कमरे में ही है जी, अंदर कमरा उनका जी। कहाँ? इधर। हाँ हाँ ये उनका ही कमरा है, सारे कमरे उनके जी, जाओ अंदर मिल जाएंगे आपको। हाँ हाँ जी चाह पीनी चाह।
ना पी यार, कोई चक्कर नहीं, अभी तक काम करिए। पागल समझा, और कोई नहीं अंदर, खाली बड़ा है, बजे का टूटी सी खाट है और बाबा नानक की फोटो है। हाँ भाई, तो तस्वीर वाला बाबा नानक ही मेरे पापा जी है, उन्होंने ये सेवा लगा रखी है, ये 5 रुपए में लोगों के टिड़ भरने की। सिख का काम ही यही है, लंगर लाना। सिख पूरी दुनिया से पैसे कमा के हमेशा के लिए अपनी जेब में रख सकता है, और उसको असली अमीरी तब महसूस होती है जब वो लोगों का टिड़ भरता है। मैं लखा करोड़ रुपए जोड़ के कई आलिशान घरों में सो सकता हूँ, पर जो नींद मेरे को लोगों की सेवा करके अपनी टूटी सी खोली में आती है ना, ओए होए होए होए, वो तो लखों करोड़ों में नहीं पाई जाती जी। तो करके हमारा काम लगा हुआ जी सेवा करने का, और हमारे पापा जी ने पूरी दुनिया लगा रखी है इस काम में। सिख काफी पैसे जोड़ सकता है ये लंगर ना ला के, पर उन्हें असली स्वाद लंगर ला के आंदा है, क्योंकि अपने दसवंत तो लोगों का टिड़ पारना यही मेरा धर्म सिखाता है। ठीक है काके, सत्श्रीकाल। सर बड़े गले मिलके आ रहे हो सर, लगता है डील डन हो गई। नहीं भाई, नहीं खरीद सकते हम ये ढाबा। इस ढाबे और इस ढाबे वाले की कीमत हमारी औकात से कहीं ज्यादा है। चलो चलते हैं।